कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वे अजीबोगरीब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कुलस्ते का कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और यदि कांग्रेस की कमियों को बताया और उन्हें बुरा लगा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम में शेखपुरा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द मामले पर कहा कि अगर मैं कांग्रेस की कोई गलतियां बता रहा हूं और उसमें उन्हें आपत्ति है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है और मैं कभी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता और अगर राजनीति कर रहे हो तो सुनने की हिम्मत भी रखो। वहीं इस दौरान उन्होंने बदमाश शब्द के मायने बताते हुए कहा कि बदमाश कोई बुरा शब्द नहीं है, अगर मैंने उन्हें बदमाश कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा। अच्छे काम हो रहे या उनकी गलतियों को मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा किया तो उसमें अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु मैं कोई ऐसा कभी देखे मैं कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने हमारे विधायक निवास के पहले कार्यक्रम निवास के दिन में मैंने उस दिन भाषण में कहा, मैंने कहा ये किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये झूठा आश्वासन है, ये निर्णय ही गलत है। मैंने खुद भाषण में कहा, मैंने कहा ये ऑर्डर देखिए, मैंने तो बैंक से निकाल के दिया था 50%। जब तक उनका वहाँ का उनकी पूंजी का समायोजन नहीं होगा तब तक बैंक का लोन नहीं पटेगा, ये साफ तौर से लिखा है। इसके बाद कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। मैंने विधायक को कहा कि आपने भाषण देके भाग गए, तो मैंने कहा कि साले को तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी ये बात सुनना चाहिए, मैंने हिम्मत रखो अगर राजनीति कर रहे हो। तो मैंने खुद कहा, मेरे से बोला कि नहीं मंडला जा रहा हूँ, मंडला ना जा करके नारायणगंज चला गया। नारायणगंज में फिर मिला, मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा तेरे जैसे बदमाश आदमी नहीं होगा। मैंने तो अगर उसको मैंने बदमाश कह दिया तो कोई गलत भाषा नहीं, हमारे गांव में ही बोलते हैं लोग। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।